हाय गाइस, सो गुड मॉर्निंग. दिस इज़ द नेक्स्ट डे इन कुर्ग. तो आज अभी निकलेंगे हम लोग साइट सीइंग के लिए. काफ़ी धूप है. अभी निकलेंगे हम लोग साइट सीइंग के लिए. अभी नाश्ता करेंगे फर्स्ट, एंड देन फिर हम लोग निकलेंगे रिसॉर्ट से. अभी नहा धो के वी आर रेडी. तो लेट्स गो. दिस इज़ द एरिया फॉर ब्रेकफास्ट. ये देखिए, यहाँ पे मेरे पेरेंट्स हैं एंड एंजल है. एंड यहाँ पे पूरा आपको सीनरी दिख रहा है, पूरा जंगल एरिया. अगर आप पीस लाइक करते हैं ना, तो आप इस जगह पे आ सकते हैं. कुछ भी आपको सिटी का हसल बसल नहीं मिलेगा. सी होटल डिटेल्स के लिए यू कैन वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग वेयर आई हैव गिवन द रूम टूर एज वेल. ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े हम अपनी कुर्ग की साइट सीइंग के लिए, और हमारा फर्स्ट स्पॉट था दुबारे एलिफेंट कैंप. हमारा होटल हट्टी होल पे सिचुएटेड है, और वहाँ से दुबारे कैंप का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर. अगर आप मडिकेरी में रह रहे हैं तो आपको भी लगभग उतना ही डिस्टेंस पड़ेगा फॉर दुबारे एलिफेंट कैंप. दुबारे एलिफेंट कैंप की टाइमिंग्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, जो कि है सुबह 9 से 11 बजे और 4:30 से 5:30 बजे शाम में. यहाँ पे आप सिर्फ एलिफेंट्स को देख ही नहीं सकते, बल्कि उनके साथ समय बिताकर उनका अनूठा अनुभव भी कर सकते हैं. पहुँचे दुबारे एलिफेंट कैंप, तो इसका ना पर्टिकुलर टाइमिंग्स है. और यहाँ पे ना राफ्टिंग होता है, जो कि शाम 5 बजे तक होता है. तो अभी घूम के आने के बाद वी कैन सी. चलते हैं क्विकली. यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स और कैफ़े भी है. यहाँ पे ये देखिए, दीज आर ऑल शॉपिंग प्लेसेस. यहाँ पे स्पाइसेस आपको भर भर के हर जगह मिलेगा. ये पूरा नदी क्रॉस करके जाना है. अरे बाप रे, मैंने तो चप्पल जूता पहना हुआ है, इसको क्या करूँ? अभी खोलना पड़ेगा. सब जूता वूता खोल के जाना पड़ रहा है यहाँ पे. यहाँ पे आओगे तो थोड़ा चप्पल उप्पल पहन के आना, अब हमको पता नहीं था. काफ़ी रिस्की है. यहाँ से नदी बह रही है. कुत्ता भी घूम के आया है, ये भी जा रहा है रिटर्न. तरह से यू हैव टू बी केयरफुल. बहुत पथरीला एरिया है और पूरा पानी बह रहा है. इट्स वेरी स्लिपरी. फाइनली वी हैव रीच्ड आफ्टर सो मच एडवेंचर. ₹100 पर हेड का टिकट है यहाँ पे, बट अंदर आई एम नॉट श्योर कितना कुछ देखने के लिए है, बिकॉज वी गॉट फीडबैक फ्रॉम सम पीपल जो भी देख के वापस जा रहे थे कि देयर इज नथिंग. एक एक ही एलिफेंट है, तो लेट्स सी इफ इट इज़ वर्थ. आई विल टेल यू. जैसे कि मैंने बताया, हमें कुछ लोग मिले जिन्होंने बोला कि उनका एक्सपीरियंस एकदम भी अच्छा नहीं था. उसकी वजह यह है कि वो बहुत जल्दी पहुंच गए थे, और उन्हें इस वजह से खाना खिलाना या कोई भी एक्टिविटी में पार्ट लेने में मिला नहीं. इसलिए आप 10 या 10:30 तक यहाँ पहुंच जाइए. दैट वुड बी द ऑप्टिमल टाइम फॉर यू टू विजिट हियर. तो इंद्रिल हैज आस्क्ड फॉर सम ग्रास उनको खिलाने के लिए. जस्ट सी दिस. ओह माय गॉड. Isn't he cute?
बोल रहे यहाँ पे डालो, यहाँ पे डाल। यहाँ यहाँ डालो ऐसे ऐसे करके खिलाओ खिलाओ। बहुत उत्सुक है ये वाला। अच्छा ये लोग उसके लिए खाना मतलब बना रहे हैं। हाँ। क्या वीट, ये क्या बोलते हैं ये मतलब वीट है, राइस वीट। हाँ, वीट और खोड़, खोड़ में वीट डाल के उसमें नमक वमक डाल के उनका बना के क्या रख रहे? नहीं खिला रहे, खिला रहे। जो एलिफेंट्स का खाना अभी मैंने आपको दिखाया बना रहे थे वो सेल के लिए था, तो आप 50 रुपीज़ में उसको खरीद सकते हैं ईच पीस, एंड आप फिर इनको खिला सकते हैं अपने हाथों से। अभी जा रहे हैं हम लोग एलिफेंट बाथिंग के लिए, उसके लिए एडिशनल चार्जेस है पर पर्सन 250। साथ में अब कोई जा भी नहीं सकता है, मतलब आप नहीं नहलाओगे, बस आप खड़े रहोगे, तो एक ही पर्सन को अलाउ किया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, वो देखिए वहाँ पे हो रहा है नहलाना, यहीं से दिख रहा है। एलिफेंट बाथिंग का 250 रुपीज़ चार्जेस है, बट वहाँ पे बहुत कम्युनिकेशन गैप है या फिर क्या है आई डोंट नो। हमें बोला गया कि एक पर्सन का 250 रुपीज़ है नहलाने का, और साथ में कोई भी नहीं जा सकता। हमने बहुत उनसे उनके साथ नेगोशिएशन किया, उनको बोला तो वो अग्री हुए कि एक आदमी आपके साथ जा सकता है, बाकी और कोई नहीं। हमने बोला कि ठीक है हम दो लोगों का पेमेंट करते हैं, दो लोग को आप खड़े रहने दीजिए, तो भी उन्होंने अलाउ नहीं किया। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि सबकी पूरी पूरी फैमिली और बड़ी बड़ी ग्रुप आके खड़ी हुई है, और ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये मेरा हाथी आ रहा है ये नहाने के लिए, स्पा के लिए आ रहा है क्या? बोल रहे मैं सो रहा था कहाँ, अभी नहाने का मूड नहीं है मेरा। खा रहा था ना ये, बाप रे पैर में जंजीर देखो ना, तो देखो ना पानी लग रहा क्या? देखो 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 अरे पूरा गीला कर दिया इसने तो यार। क्यों गीला कर दिया? अरे बाप रे बाप, देखो 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 देखो। अरे देखो ওই কানে না যে ওটা ধরে ওকে ডাইরেকশন দেওয়া হয় রাখা ছিল না। हां ও ইঞ্জিন कह रहे हैं कि वो कान में उनको ना वो डंडा से ना वो डायरेक्शन दे रहे हैं। फाइनली मेरा टर्न आ गया, और पहले तो सच बताऊं बहुत ही डर लग रहा था, इतना विशाल सा जानवर अगर आपके सामने ऐसे लेटा हो तो सही में ज़रूर डर लगता है। और उसकी स्किन इतनी हार्ड थी और ऐसे ऐसे काटे काटे उसके बाल थे, तो बट इट वाज अ रियली फन एक्टिविटी, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्टिविटी। तो फाइनली माई वर्डिक्ट कि इतना दूर आना यहाँ पे टाइम स्पेंड करना वर्थ इट है या नहीं, सो डेफिनेटली आई विल से कि ये 101% वर्थ इट है।
यहाँ जहाँ आपको एनिमल्स के साथ में एक अनोखा अनुभव मिलता है, वहीं नेचर के पास रह के आपको बहुत ही सुकून का अनुभव होगा। So thanks for watching this vlog. I will again see you in my next Coorg vlog where we will explore many other tourist spots. So till then, bye-bye.